नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। चेसक माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा 50 लाख खिलाड़ियों को युवा शक्ति से जोड़कर खेल के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि बंजारा फाउंडेशन व भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मनोज नायक द्वारा खेल में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सके, इस तरह के मुहिम को चलाया गया। बात करें खेल की तो सीम चेसक के तहत कुल 19 खेल को शामिल किया गया है। इसमें खास बात यह है कि यह उन बच्चों और युवाओं के लिए अहम होगा जिन्हें किसी भी तरह के खेल में हिस्सा लेने के लिए अवसर नहीं मिल पाता, वहां एक सुनहरा मौका है। भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मनोज नायक ने फॉर्म व मोबाइल एप्स के जरिए बच्चों और युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आइए उत्साहित बच्चे को मनोज नायक जी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। कैरम में ले रहे हिस्सा, कैरम और कुश्ती, हमने आपका कैरम इसमें दिया है और कुश्ती भी दिया है। अभी आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, उसको आप ओपन करिए और सेव सक्सेसफुली, आपके पास एक नॉर्मल मैसेज आया होगा। सेम ग्रुप डांस हमारा टीम भी है। माता पिता का नाम रोशन करना है, अपना नाम बनाना है। क्रिकेट, क्रिकेट में बहुत अच्छा मजा आता है मेरे को खेलने, उसमें खेलने को उससे दिमाग और नॉलेज तंदुरुस्त सुस्त रहते हैं, और उससे हम लोग कुछ अच्छे यूज़ के लिए हम लोग क्रिकेट अच्छे के लिए खेल सकते हैं। कबड्डी में भरा है, कबड्डी में फॉर्म भरा है, बहुत अच्छा काम। मैंने तो पहले जब भी मनोज जी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे खेल का प्रोग्राम है, जब भी हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सरकार ये कुछ युवा नेता युवा लड़कियों के लिए कुछ अच्छा करने जा रही है, और कुछ ऐसा ये खेलने से इंटरनेशनल तक भी जाने की हमारी इच्छा है। ये एक हमारा सीएम चषक करके एक हमारा एक खेल प्रतियोगिता रखी है माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, जिससे कि सरलता से खिलाड़ियों से बच्चों से मतलब प्रतिस्पर्धा, इसमें कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, कैरम है, इस तरीके से हमारे पास 16 से 19 गेम है जिसमें हम बच्चों को बढ़ चढ़ करके एंट्री करवा रहे हैं। और बच्चे लोग आज 20 दिन हो गए मेरे को फॉर्म भरते भरते, ना मेरा पेन थक रहा है ना मेरे फॉर्म ख़त्म हो रहे हैं, और बच्चे इतना इसमें बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। टोटल टीम के प्लेयर्स मिला के 990 हैं, और पूरे अंधेरी विधानसभा में तो और है और पूरे महाराष्ट्र में तो और है। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 50 लाख खिलाड़ियों को हम एकत्रित कर सकें। अभी हमारे को जो निर्देश मिले वो ऐसा है कि पहले सबसे पहले जो इच्छुक खिलाड़ी है उन तक हम पहुँचे, हमारा मैसेज पहुँचाएँ कि आपको ये प्रतिस्पर्धा में जिस भी 19 प्रतिस्पर्धा में से जिसमें भी हिस्सा लेना है आप लोग उसमें आएँ। और एक हमको बड़ा सरलता से जुड़ने के लिए एक इसमें हमको एक एप्लीकेशन दिया हुआ है सीएम चषक करके, तो हम इसके माध्यम से लोगों को सरलता से वहाँ जोड़ ले रहे हैं। यहाँ पर हमको प्लेयर्स के नाम और नंबर या ग्रुप का टीम है तो उसमें डाल के हम लोग इसको रजिस्टर्ड करते हैं। इसके बाद उनके पास एक मैसेज जाता है, कहते थे ये मैसेज आ जाता है इनके पास सीएम चषक के मैसेज, अगर इसको ये ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन डेटा आ जाता है इनके पास, कॉल कन्फर्म है इनका मैसेज। ये देखिए आप कन्फर्मेशन का ये
ये इनका रजिस्टर्ड कंफर्म हो गया है। ऐसा है कि हम लोग टाइम टाइम पर बच्चों को अधिकतर से खेलों के माध्यम से जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से हमने बताया कि बच्चे अधिक से अधिक मीडिया में मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो गेम है, मोबाइल के गेम है, अपना टाइम उधर वो लोग ख़त्म कर देते हैं, तो चाहते हैं कि खेल के जरिए से अपना शारीरिक बल और मानसिक बल दोनों मजबूत करें। उसके लिए हम लोग खेल प्रतिस्पर्धा रखते हैं हर वर्ष। सीएम चषक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये लिया है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों में या जो हमारे रहवासी हैं उनमें प्रतिभा बहुत है, खेल के प्रति उनका रुझान बहुत है, मगर कहाँ गली में छोटी सी जगह में हर तरीके से मैनेजमेंट करके खेलते हैं तो उनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान मुख्यमंत्री जी ने लिया है जिससे कि गली मोहल्ले के बच्चों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने विशेष करके उनको उनकी प्रतिभा निखार के उनको आगे लाने का एक जगह पे प्लेटफॉर्म दिया है, इससे ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें जैसा कि 19 गेम पूरे इसमें सम्मिलित हैं, हम लोगों का अंधेरी विधानसभा के अंदर जैसा हमें निर्देश दिया गया है कि 25 तारीख तक हम जितना भी अधिक से अधिक खिलाड़ियों के फॉर्म जमा कर देते हैं, इसके बाद हम लोग ग्राउंड और खिलाड़ियों का ग्रुप बना करके उनको हम खेल खिलाने का योजना है। ये दो चरण में होगा, जैसे यहाँ पर जो जीतता है उसको फिर आगे खेलने का है, जिसमें कि उनको पारितोषिक के तौर पर उन्हें